वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास रिपेयरिंग करने के लिए चाइना का कीपैड मोबाइल आया है, जिसमें प्रॉब्लम है वाइट डिस्प्ले का और स्पीकर का। ये मेरे फ्रेंड की दुकान पे कस्टमर ने रिपेयरिंग करने के लिए दिया था। इसमें प्रॉब्लम था सिर्फ स्पीकर का, इसका स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही थी और उन्होंने इसे रिपेयर करते वक्त में इसका डिस्प्ले का स्ट्रिप तोड़ दिया था। उसके बाद जो है उन्होंने इसमें एक नया डिस्प्ले लगाया। डिस्प्ले लगाने के बाद भी जो है इसमें प्रॉब्लम आ गया वाइट डिस्प्ले का। तो गाइस वाइट डिस्प्ले के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताता हूँ। तो कभी भी गाइस ये जो कीपैड मोबाइल होता है आप कस्टमर से रिपेयर करने के लिए लेते, तो आप उनके सामने ही से रिपेयर करो, क्योंकि इसके अंदर का जो डिस्प्ले रहता है ये पुराना हो जाने के कारण जो है इसका स्ट्रिप काफ़ी कड़क हो जाता है। कभी कभी ओपन करने में ही टूट जाता है या रिपेयर करते वक्त में जो है इसका टूट जाता है। तो आप जो है कस्टमर के सामने इसे रिपेयर करेंगे तो इसके अंदर कोई भी फॉल्ट आएगा तो आप कस्टमर को बता सकते हो। कस्टमर ने उन्होंने इसको चालू फ़ोन दिया था, खाली स्पीकर काम नहीं कर रहा था, इसमें डिस्प्ले प्रॉपर आ रहा था लेकिन उसका स्ट्रिप उनसे टूट गया था। और उसके बाद जो है उन्होंने इसमें नया डिस्प्ले लगाया है और जो है तो भी इसका डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है और स्पीकर का प्रॉब्लम तो सॉल्व अभी तक नहीं कर पाए हैं। और ये मेरे शॉप पे दिए उन्होंने रिपेयर करने के लिए। तो इसमें देख सकते हैं जो डिस्प्ले लगा हुआ है ये नया डिस्प्ले लगा हुआ है। और जो है कभी कभी जो है गाइस इसका डिस्प्ले जो है ब्लू नीला कलर का दिखने लगता है लेकिन जो है प्रॉपर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। मैं आप लोग को चेक करके फिर से दिखा देता हूँ। कभी कभी जो है इसके अंदर फ़ोन जैसे ऑन करेंगे तो इसमें डिस्प्ले जो है आसमानी कलर का दिख रहा है पर ग्राफिक नहीं दिख रहा है। फ़ोन जो है ऑन होता है, कंप्लीट ऑन हो जाएगा लेकिन इसका साउंड की आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि ये साउंड का प्रॉब्लम के लिए कस्टमर ने दिया था और उन्होंने इसका डिस्प्ले तोड़ दिया था, जिसके कारण उन्होंने इसमें नया डिस्प्ले लगाया है लेकिन तो भी इसका डिस्प्ले प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम के फ़ोन को रिपेयर करना काफ़ी यूज होता है। कभी भी गाइस अगर आप लोग कोई भी डिस्प्ले निकालते हो तो आप उसे शोल्डर से निकालें, यूँ ना ब्लोअर से ना निकालें, क्योंकि डिस्प्ले निकालते वक्त में आप लोग जो है थोड़ी सी गलती कर देते हैं। ये गलती कर देते हैं कि डिस्प्ले को आप जो है ब्लोअर से हीट करते हो और उसे खींच के निकाल देते हैं, जिसके कारण उसका ट्रैक जो है टूट जाता है और आप जब नया डिस्प्ले लगाते हो तो उसके अंदर जो है डिस्प्ले वाइट का प्रॉब्लम आता है या अदर कोई भी प्रॉब्लम आएगा। आप डिस्प्ले को शोल्डर से अच्छी तरीके से हल्के हल्के हाथ से आपको जो है शोल्डर रख के उसे उठाना है, ये नहीं कि ब्लोअर से हीट करके उठाना है। तो जो है गाइस इसका जो है डिस्प्ले मैंने निकाल लिया और इसकी लाइनिंग को अच्छी तरीके से चेक कर लेता हूँ। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये ग्राफिक की लाइन कहीं से ब्रेक हो गया है, जिसके कारण इसका डिस्प्ले वाइट आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर के एक पॉइंट जो है इसका ट्रैक टूटा हुआ है, यहाँ पे दिख भी रहा है ये ट्रैक टूटा हुआ हल्का सा, लेकिन जो है उन्होंने इसको दो तीन बार डिस्प्ले लगा के चेक किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो ये मेरे शॉप पे दिए हैं रिपेयरिंग करने के लिए। तो यहाँ का जो लाइन है ये वाला ग्राफिक की लाइन है ये ब्रेक हो गया है, नीचे की पॉइंट में प्रॉपर आ रहा है लेकिन ऊपर के पॉइंट में जो है ये लाइनिंग नहीं आ रहा है। तो यहाँ से जो है हमें एक जम्फर मारना होगा। और कभी भी गाइस अगर आप लोग कीपैड मोबाइल रिपेयरिंग करते हो, अगर उसमें कोई भी अदर प्रॉब्लम के लिए फ़ोन आप रिपेयर करने के लिए लेते हो तो आपको डिस्प्ले को जो है जब आप फ़ोन को ओपन करते हो तुरंत उसके अंदर आपको जो है रबर लगा देना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले हिलने की वजह से जो है इसका स्ट्रिप कड़क रहता है और टूट जाता है और उसको वजह से जो है गाइस ये प्रॉब्लम हैंडसेट में अधिक करके आता है। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि कभी भी आप कीपैड मोबाइल रिपेयर करते हो और उसको ओपन जब करते हो तो आप तुरंत उसके डिस्प्ले पे जो है रबर लगा देना है मदरबोर्ड से, क्योंकि वो हिलेगा नहीं तो वो डिस्प्ले प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अंदर का जो है गाइस इसमें जो प्रॉब्लम था इसका ट्रैक डिस्प्ले का जो है ग्राफिक का नीचे की तरफ प्रॉपर आ रहा था लेकिन ऊपर की तरफ नहीं आ रहा था, जिसके कारण इसका डिस्प्ले वाइट आ रहा था। अभी जो है मैंने इसमें एक जम्फर मारा है और जम्फर मार के वापस से मैं इसे चेक कर लेता हूँ ये ट्रैक प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस मैंने नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जम्फर मारा है और देख सकते हैं नीचे प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है और जो है ऊपर की तरफ भी मैं चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। इसके अंदर का जो ट्रैक था उन्होंने इसे ब्लोअर से हीट करके खींच के निकाल दिया था, जिसके कारण इसका ट्रैक टूट गया था। उसको जैसे ये फ़ोन में डिस्प्ले जो है उन्होंने नया लगाया था और ये डिस्प्ले वाइट आ रहा था। उन्होंने इसके अंदर जो है दो डिस्प्ले मंगा के लगा के चेक कर लिए थे, दोनों डिस्प्ले मेरे पास दिए हैं और जो है इसके अंदर जो डिस्प्ले लगा हुआ है ये डिस्प्ले नया है,
इसका पुराना डिस्प्ले जो है उसका स्ट्रिप टूट गया है साइड से, क्योंकि खोलने में जो है इसका डिस्लिप जो स्ट्रिप रहता है वो काफ़ी कड़क रहता है, उसको जैसे जो ये टूट जाता है। सबसे गलती होती है, मेरे से भी गलती होती है, ये जो कीपैड मोबाइल होता है वो कभी कभी उसका डिस्प्ले जो है ज़्यादा अप डाउन करने से टूट जाता है, इसलिए जो है मैं ये गलती कभी नहीं करता। फ़ोन जैसे ओपन करता हूँ तुरंत उसमें रबड़ लगा देता हूँ, डिस्प्ले जो है हिलता नहीं है, तो ये प्रॉपर सही रहता है। तो जो है कस्टमर ने इस फ़ोन को सिर्फ इसका स्पीकर काम नहीं कर रहा था, फ़ोन प्रॉपर आ जा रहा था लेकिन जो है माइक का आवाज़ जाता था पर स्पीकर की आवाज़ वहाँ से नहीं आता था। तो इस प्रॉब्लम के लिए फ़ोन दिए थे रिपेयर करने के लिए, और जो है अभी इसमें नया फॉल्ट आ गया था ये डिस्प्ले का। तो जो है इसका एक ट्रैक टूट गया था जो मैंने आप लोग को दिखाया, मैंने जम्पर मारा और अभी जो देख सकते हैं इसका डिस्प्ले प्रॉपर आ चुका है, अभी भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो इसका स्पीकर काम नहीं कर रहा है। तो उसे किस तरह से आपको चेक करना है और किस तरह से रिपेयर करना है वो भी काफ़ी सिंपल होता है गाइस। कीपैड मोबाइल बनाना इतना हार्ड नहीं होता, क्योंकि अगर आप कीपैड नहीं बना सकते हो तो आप एंड्रॉयड फ़ोन तो आपसे बहुत मुश्किल है बनना, क्योंकि कीपैड मोबाइल में जो लाइनिंग होता है वो प्रॉपर दिखता है, और एंड्रॉयड मोबाइल में जो है गाइस उसे जो है बोर्नियो के मेथड से चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पीकर की लाइन है वो जो है हमें चेक करना होगा, पहले हम स्पीकर को चेक कर लेते हैं स्पीकर सही है कि नहीं सही है, क्योंकि कभी कभी चाइना कीपैड मोबाइल में स्पीकर भी उड़ जाता है। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं इसका जो स्पीकर है ये प्रॉपर सही, मतलब ये बीप का साउंड आ रहा है, और जो है इसके ट्रैक को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ट्रैक ये वाला भी प्रॉपर आ रहा है, और उसके जस्ट बाजू वाले में देख रहे हैं तो जो है वहाँ पे जो है गाइस इसका जो दूसरा वाला ट्रैक है वहाँ पे लाइनिंग नहीं आ रहा है, मतलब इसकी लाइनिंग कहीं से ब्रेक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ डाइवर्ट लगे हुए हैं, लेकिन ये जो है हमारे कैमरा सेक्शन का है, इसको जो इसकी जो लाइनिंग होती यहाँ पे आती है स्पीकर की जो लाइनिंग है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट वाली लाइन तो प्रॉपर दिख रहा है, और दूसरी वाली लाइन जो है यहाँ से जो है एक डाइवर्ट गायब है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो ब्लैक कलर का डाइवर्ट लगा रहता है इसकी पहचान है, ये स्पीकर का डाइवर्ट होता है और ये दोनों तरफ बीप आता है। तो कभी भी गाइस अगर आप लोग चाइना कीपैड मोबाइल रिपेयर करते हैं जिसमें स्पीकर का प्रॉब्लम है, जिसकी जो लाइनिंग होती ये सेम सिम स्लॉट के जस्ट नीचे से यहाँ से जो है मेन आईसी के पास जो है लाइनिंग गई रहती, वो अगर यहाँ से अगर ये प्रॉपर नहीं दिखता था तो मैं आप लोग को जो है आईसी के पास से भी दिखाता था, वहाँ से भी जम्पर मार देता तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जो कीपैड मोबाइल होता है गाइस उसके ट्रैक जो है प्रॉपर दिखता है, तो उसे रिपेयर करने में इतनी मुश्किलें नहीं होती है, क्योंकि एंड्रॉयड हैंडसेट में जो है ट्रैक नहीं दिखता है, वो अंदर से ट्रैक गया हुआ रहता है, जिसके कारण जो उसे रिपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस फ़ोन में जो है इसका एक ट्रैक टूटा हुआ था स्पीकर का, जो डाइवर्ट था वो उखड़ गया था जिसके कारण इसका स्पीकर काम नहीं कर रहा था। तो जो है मैं इसमें जम्पर वायर लेके जो है इस लाइनिंग को पहले शॉर्ट कर देता हूँ, और शॉर्ट करने के बाद देखते ही ऊपर की तरफ जो है इसका जो वोल्टेज है यहाँ नीचे की तरफ आईसी के पास से प्रॉपर आ रहा है, और यहाँ से जो है स्पीकर पे जाने के लिए जो है एक डाइवर्ट लगा हुआ रहता है, वो डाइवर्ट उखड़ गया था जिसके कारण इसमें जो है ये स्पीकर काम नहीं कर रहा था। तो अभी ये जम्पर जो मैंने मारा है ये प्रॉपर अच्छी तरीके से नहीं बैठा है, वो वापस से जो इसे अच्छी तरीके से बैठा देता हूँ। और आपके पास भी ऐसे प्रॉब्लम के फ़ोन आते रहेंगे तो आपको लाइनिंग को इस तरह से चेक करना है, क्योंकि जो स्पीकर की लाइन रहती है यहीं से जो है जस्ट सिम स्लॉट के बाजू में से ही स्पीकर के पास जाती है, और यहाँ से जो है हमारी मेन आईसी के पास आती है, वहाँ पे मेन आईसी के पास भी दो पॉइंट दिया रहता है, क्योंकि ये आईसी के नीचे से लाइनिंग आती है और वहाँ से जो है इस जगह पे आती है और यहाँ से स्पीकर के पास जाती है। तो इसका जो ट्रैक था टूट गया था, देख सकते भी प्रॉपर यहाँ पे जो है वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये स्पीकर का जो लाइनिंग है ये प्रॉपर सही हो चुका है, अभी इसके अंदर स्पीकर भी प्रॉपर काम करेगा। तो पहले मैं स्पीकर को वायर को सोल्डिंग कर लेता हूँ और आप लोग को इसके स्पीकर को चेक करके भी दिखा देता हूँ, और जो मैंने जम्पर मारा है ये जम्पर भी आप लोग को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इसकी जो पहचान होती है यहाँ पे एक ब्लैक कलर का डाइवर्ट दिखता रहेगा आप लोग को, और उसके जस्ट बाजू में से ये डाइवर्ट उखड़ गया था जिसके कारण इसका स्पीकर काम नहीं कर रहा था। तो मैंने जस्ट बाजू में एक जम्पर मारा है पतला सा, आप लोग को नज़र आया रहेगा।
तो इस तरह गाइस ऑलमोस्ट कोई भी चाइना कीपैड मोबाइल हो जिसमें स्पीकर का प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह से उसे चेक करें और इस तरह से उसे आप रिपेयर करें। तो जो है अभी मैं इसके स्पीकर के वायर को पहले यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ, और सोल्डिंग करके आप लोगों को कंप्लीट चेक करके दिखाता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मेरे दोस्त ने इस फ़ोन को चार्जेस सिर्फ 100 रुपीज़ लिया था स्पीकर प्रॉब्लम के लिए, लेकिन इस फ़ोन में जो है उसे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया। इसका जो डिस्प्ले है ये 150 रुपये का, उन्होंने दो डिस्प्ले मंगाए 300 रुपये का, और जो है एक डिस्प्ले हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है, और जो है एक डिस्प्ले मैंने ये लगा दिया है। इसका प्रॉपर अभी डिस्प्ले आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम था ये स्पीकर का प्रॉब्लम था, डिस्प्ले उन्होंने तोड़ दिया था उसके स्ट्रिप को, इसको जैसे उसमें नया डिस्प्ले उन्होंने डाला था। और अभी मैं आप लोग को साउंड चेक करके दिखा देता हूँ। ये कीपैड मोबाइल में गलती सबसे भी होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि गलती उन मेरे दोस्त से खाली हुई है, मेरे से भी बहुत बार गलती हुई है। जो डिस्प्ले मैंने इसका रिप्लेसमेंट करके दिया हूँ और देख सकते हैं अभी ये प्रॉपर सही वर्क काम कर रहा है। तो इस तरह गाइस ऑलमोस्ट कोई भी चाइना कीपैड मोबाइल को रिपेयर किया जाता है। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।